चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रेडिएशंस। जैसे हम देख भी रहे थे कि हीट ट्रांसफर के बेसिकली तीन तरीके हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन हमारे कोर्स में है नहीं तो अपन इसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट था कंडक्शन। कंडक्शन थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था इसीलिए तो हमने इसको करंट के बाद पढ़ा भी और ईजी भी लगा। ईजी लगने के पीछे मेन कारण तो यही था कि ना उसका काफ़ी सारा रिलेशन जो था वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही था तो हमने बड़े आराम से इस बात को मैनेज कर लिया। रेडिएशन थोड़ा अलग सा टॉपिक है एंड हो सकता है कुछ डेफिनेशंस आपके लिए नहीं हो, कुछ बातें नहीं हो, सो हम बड़े आराम से इनको देख लेंगे, कोई हमें जल्दबाजी इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल है, कुछ बातें हैं और वो बातें थोड़ी सी मतलब समय लेंगी, ठीक है बेटा, याद रखने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, सो टेक योर टाइम, नो वरीज, धीरे धीरे हम इस सारी चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, रेडिएशन हीट ट्रांसफर का वो मोड है, वो तरीका है जिससे हीट एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है बिना किसी मीडियम की ज़रूरत के। अगर मीडियम ना हो तब भी हीट ट्रेवल कर सकती है और आई कुड से कि हीट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम। बीच का जो मीडियम है बिना उसे हीट की, अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो इट मीन्स दैट कि वो रेडिएशन के थ्रू जा रही है। तो दो बातें बेटा, रेडिएशन में नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, अगर वैक्यूम होगा तब भी चलेगा, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, ये पहली बात। और दूसरी बात कि अगर मान लो मीडियम हुआ भी तो वो इंटरवीनिंग मीडियम गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा। इंटरवीनिंग मीडियम इज नॉट हीटेड, मीडियम की ना तो जरूरत है और अगर मान लो मीडियम हुआ भी तो मीडियम गर्म नहीं होगा। ठीक है सर, एक्चुअल में रेडिएशंस हैं क्या? बड़ा एक्चुअल में रेडिएशन जो है वो जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, बिल्कुल जैसे हमारी सनलाइट है या फिर और कोई लाइट है, जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडिएशंस भी जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो आप कह सकते हो कि रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यू कैन राइट इट डाउन, आर जस्ट ईएम वेव्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर ईएम वेव्स। ये जो आपकी ईएम वेव्स हैं ये वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी सी से ट्रेवल करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अर्थ क्या है, सुनना इस बात का कि अगर मान लीजिए कि वेव के पास वेलोसिटी सामने की तरफ सी है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन होगा उसके अंदर टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग मतलब जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड बी है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एस। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस एंड लाइट इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग लाइक दिस एक्सिस, सो इट इज जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। हमारी इवन जो लाइट है वो भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बस लाइट एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा है जो हमारे लिए विजिबल है और उसके अलावा भी बहुत सारा हिस्सा है जो विजिबल नहीं है, उसमें बहुत सारा पार्ट आपका रेडिएशन है। तो आप कह सकते हो कि रेडिएशंस आर जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, जब मैंने कहा कि रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट मीन्स दैट कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज रेडिएशंस के लिए वैलिड है। सर कौन सी प्रॉपर्टीज? वैसे तो आपको लिखा रखा बेटा ऑप्टिक्स में कि लाइट जो होगी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, तो रेडिएशन भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी अनटिल एंड अनलेस मीडियम चेंज ना हो या फिर कोई रास्ते में कोई हिंड्रेंस ना आए। वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन सी होगी वैक्यूम या एयर में, किसी और मीडियम में स्पीड ऑफ रेडिएशन आपका सी बाई एन हो जाएगा। आप कह सकते हो कि स्पीड ऑफ रेडिएशन इन वैक्यूम इज सी,
इन एनी अदर मीडियम इज सी बाई एन. वट इज एन? एन इज ऑफ कोर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमने पहले से पढ़ी हैं या फिर लाइट के लिए पढ़ी है, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर लगा सकते हैं. जैसे लाइट रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, डिफ्रैक्ट, इंटरफ्रेंस होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन सब कुछ होगा. जितनी प्रॉपर्टीज हमने आज तक पढ़ी हैं वो सारे की सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे की वैसी वैलिड हैं जैसी लाइट के लिए थी, वैसे के वैसे सारी की सारी रेडिएशन के लिए भी हैं. अच्छा, कुछ रेडिएशंस, जैसे हर ऑब्जेक्ट अपने अंदर से रेडिएशंस निकालेगा, रेडिएशन का वो हिस्सा जो हमारी आंखों के लिए सेंसिटिव है, जिसको हमारी आंखें पहचान सकती हैं, उस हिस्से को आप लाइट कह सकते हो. बाकी बहुत सारा हिस्सा ऐसा भी है, बहुत सारा पार्ट ऐसा भी है रेडिएशन का जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, बट स्टिल कोई ना कोई बड़ा तरीका ऐसा हो सकता है कि जिससे हम उसको कन्वर्ट कर लें. जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर बॉडीज अपने अंदर से जो रेडिएशंस निकालती हैं वो इंफ्रारेड रीजन में होती हैं. इंफ्रारेड रीजन हम लोग देख नहीं पाते, नेकेड आई से नहीं देख पाते, लेकिन कुछ इंफ्रारेड गॉगल्स होते हैं या फिर इंफ्रारेड कैमरास होते हैं जो उन रेडिएशंस को कैच करते हैं और विजिबल लाइट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको पहचान सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिससे हम हल्का फुल्का कन्वर्ट करके इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं. चलिए खैर हमारे मुद्दे पे आते हैं. Radiations are just electromagnetic waves. They will travel along a straight line. In vacuum, the velocity of radiation is c. In any other medium, the velocity of radiation is of course c by n. ठीक, आगे चलते हैं बच्चों. आप ऐसा कह सकते हो light is part of radiation. Radiation का एक हिस्सा है light. वो कौन सा हिस्सा? जिसके लिए हमारी आईज सेंसिटिव हैं. उसके अलावा बहुत सारा पार्ट है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें रेडिएशन को लेकर, और वो ये है कि हर ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर जीरो केल्विन से ज़्यादा हो, एंड एज वी नो दैट कि हर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जीरो केल्विन से तो ज़्यादा ही होता है, तो वो हर ऑब्जेक्ट अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट करेगी. जिसका भी टेम्परेचर जीरो केल्विन से ज़्यादा है वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से रेडिएशंस हमेशा एमिट करेगी. एनी ऑब्जेक्ट हैविंग टेम्परेचर मोर देन जीरो केल्विन विल एमिट रेडिएशंस. जिसका भी टेम्परेचर जीरो केल्विन से ज्यादा होगा वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशंस तो निकालेगा ही निकालेगा. ठीक है, एंड एज वी नो दैट कि हर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जीरो केल्विन से तो ज्यादा ही होता है, तो रेडिएशंस तो निकलेंगे निकलेंगे. सर, रेडिएशंस के पीछे बेसिक कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, बड़ा ये मैक्सवेल ईएम थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी बड़ा, बट फिर भी आप एक हल्की सी बात याद रख सकते हो कि मैक्सवेल्स थ्योरी के अनुसार हम ऐसा कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर जीरो केल्विन से ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट के पास ऑफ कोर्स उसके मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी. और ये जो एनर्जी होगी, जैसे आप गैसेस में जानते हो कि एनर्जी बड़ा रफली मोर और लेस 3/2 kT के ऑर्डर में होती है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ऑफ कोर्स बड़ा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जीरो केल्विन, जैसे मान लेते हैं कि कोई सुपर कंडेंस स्टेट है. जीरो केल्विन क्या है? सुपर कंडेंस स्टेट. उसके अंदर टेम्परेचर जीरो तो एनर्जी विल बी जीरो, एंड एनर्जी विल बी जीरो तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स, वो बिल्कुल फिक्स हैं, वो मूव नहीं कर रहे. चार्ज पार्टिकल्स फिक्स हैं, वो मूव नहीं कर रहे, और ऐसे केस में वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं निकाल रहे. लेकिन अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर जीरो केल्विन से अगर ज़्यादा हुआ, अगर और ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि जीरो केल्विन से टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे ज़्यादा होगा तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मॉलिक्यूल्स के पास, एटम्स के पास एनर्जीज उतनी ही ज़्यादा होंगी. उनके पास जितनी ज़्यादा एनर्जीज होंगी, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, वाइब्रेशंस उतने ही ज़्यादा होंगे. जितने ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, ऑफ कोर्स उनके चार्ज पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस भी उतने ज़्यादा होंगे. उन चार्ज पार्टिकल्स के जितने ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे वो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने अंदर से एमिट करेंगे.
तो आप कह सकते हो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उन एटम्स में से मोलिक्यूल्स में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, उनकी अगर वाइब्रेशंस बढ़ेंगी तो उनमें से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी. सो यू कैन से दैट कि द रीजन बिहाइंड द एमिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर बेसिकली द ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. हायर द टेम्परेचर मोर द ऑसिलेशंस एंड ऑफकोर्स मोर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो आप कह सकते हो द रीजन फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन इज वाइब्रेशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम और मॉलिक्यूल. एटम और मॉलिक्यूल में चार्ज पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस जो है उन वाइब्रेशंस के कारण ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं. ये वाली बात अपन लोगों ने एक बार पहले लिखी भी थी कि चार्ज पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अपने आस पड़ोस में वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस केस में अपने अंदर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी निकालेगा. एंड ऑफ कोर्स चार्ज पार्टिकल अगर वाइब्रेशंस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो ऑफ कोर्स चेंज होगी, और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो अपने अंदर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी निकालेगा. आई होप यू गेट द पॉइंट. इसी बात को मैं एक तरीके से और एक अगला स्टेप बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ऑफ कोर्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होंगी. काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होंगी वाइब्रेशन के जो एम्पलीट्यूड्स वगैरह हैं वो उतने ही ज़्यादा होंगे. वो जितने ज़्यादा होंगे तो ऑफ कोर्स जो एनर्जी निकल रही है जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो उतनी ही ज़्यादा होंगी. जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो उतनी ही ज़्यादा रेडिएशन ज़्यादा होंगे. मैं इस बात को एक तरीके से और बोलता हूँ, अकेला जो फोटोन बाहर निकलता है बेटा उसकी एनर्जी आप जानते हो बेटा कितनी होती है, एच सी बाई लैम्डा. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा फोटोन्स की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. फोटोन्स की एनर्जी ज़्यादा होगी मतलब लैम्डा उतना ही कम होगा, मतलब लैम्डा उतना ही कम होगा. जो रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं उनका लैम्डा इस बात पर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा जो रेडिएशंस निकल रही हैं उनका लैम्डा उतना ही कम होगा. इनके बीच में हम आगे जाकर कोई ना कभी ना कभी कोई फॉर्मूला भी बनाएंगे, लेकिन मोर और लेस उस दिन में जो फॉर्मूला बनेगा वो भी इसी बात को एग्री करते हुए बनेगा कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा मोर और लेस जो रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं उनकी वेवलेंथ उतनी ही कम होंगी. इसको हम एक नाम भी देंगे, विंस डिस्प्लेसमेंट लो. आज नहीं लिख रहे बेटा, लेकिन तब जब लिखेंगे तब मोर और लेस बाहर तो ऐसे ही करेंगे. तो आप कह सकते हो कि हायर द टेम्परेचर मोर द रेडिएशंस लेसर द वेवलेंथ. जो फोटोन्स होंगी उनकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होंगी, रेडिएशंस उतनी ही ज्यादा होंगी. ठीक है बेटा, बातें पूरी नहीं हुई है, वो बोर्ड भर गया इसलिए एक बार रुक गया मैं, बातें अभी तक और हैं. अभी तक हम क्या सीखे, जीरो केल्विन पर, ठीक है थ्योरेटिकल बात है बट जीरो केल्विन पर कोई रेडिएशन एमिट नहीं होंगी. जीरो केल्विन से अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो रेडिएशंस बाहर निकलेंगी निकलेंगे. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगे, लैम्डा उतना ही कम होगा. आप एक बात और याद रखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर रूम टेम्परेचर हुआ, अगर रूम टेम्परेचर हुआ तो जो रेडिएशंस एमिट होंगी वो मोस्टली इन्फ्रारेड रीजन में होंगी. इन्फ्रारेड रीजन में होंगी. इन्फ्रारेड रीजन बड़ा आपको शायद हल्का फुल्का आइडिया हो कि जैसे अपने लाइट है, लाइट में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पूरी लाइट होगी. इससे जस्ट ज्यादा लैम्डा किसका होगा, इन्फ्रारेड का, और इससे जस्ट छोटा लैम्डा किसका होगा, अल्ट्रावायलेट का. तो हमारा जो रूम टेम्परेचर है नियरली 300 केल्विन जो है उसके आस पड़ोस में अगर बॉडीज का अगर टेम्परेचर हुआ
तो वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालेंगे, वो प्रीडोमिनेंटली मतलब मोस्टली जो है वो इंफ्रारेड रीजन में ही होंगे, मतलब उनमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। सर हम किसी ऑब्जेक्ट से निकले हुए रेडिएशंस अगर नेकेड आई से नहीं देख पा रहे तो सर हम ऑब्जेक्ट को देख कैसे पा रहे हैं? सर हम है ना किसी भी मान लीजिए इस हाथ को देख पा रहे हैं, किसी पर्दे को देख पा रहे हैं, बोर्ड को देख पा रहे हैं, फिर सर उनको देख क्यों पा रहे हो? अगर आप बोर्ड को देख पा रहे हो इट डजेंट मीन कि बोर्ड से निकली हुई रेडिएशन के कारण आप उसको देख पा रहे हो। नहीं 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 नहीं, बोर्ड से जो रेडिएशंस निकल रही हैं बोर्ड का टेम्परेचर बड़ा 300 केल्विन के आसपास है, तो इसमें से निकलने वाले जो रेडिएशंस है वो प्रीडोमिनेंटली इंफ्रारेड रीजन में ही है और इन रेडिएशंस को हम लोग उतने बड़े तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो सर मैं आखिर बोर्ड देख क्यों पा रहा हूँ? बेटा बोर्ड आप इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि हमने रूम के अंदर बहुत सारी लाइट्स लगा रखी हैं, जो अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रही हैं उसका मोस्ट ऑफ द हिस्सा लाइट है, बाहर सनलाइट भी है, उस सनलाइट में से अगेन बहुत सारे रेडिएशंस हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो लाइट ही है। वो लाइट के फोटॉन्स यहाँ गिर रहे हैं और वो लाइट के फोटॉन्स आप तक पहुँच रहे हैं, हालांकि आप तक तो नहीं पहुँच रहे, इस केस में तो मोबाइल के कैमरा तक पहुँच रहे, लेंस तक पहुँच रहे, तुम समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस बोर्ड को देखने के पीछे क्या कारण रहा? बोर्ड के देखने बोर्ड को आप देख पा रहे हो उसके पीछे कारण ये नहीं है कि इसमें से निकली हुई जो रेडिएशंस हैं वो विजिबल में है ना, इसके पीछे कारण ये है कि रूम के अंदर खूब सारी लाइट लगा रखी है, सनलाइट है, वो लाइट विजिबल है, ऑफकोर्स तभी तो उसका नाम लाइट है, वो रेडिएशन इस बोर्ड पे गिरी और रिफ्लेक्ट होने के बाद आप तक पहुंची और इस कारण से आप लोग बोर्ड को देख पा रहे हो, ठीक है। यही लाइट्स अगर बंद कर दें, सनलाइट अगर ना हो तो ऑफकोर्स हम बोर्ड को नहीं देख पाएंगे। बोर्ड कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि खुद ग्लो करेगा, और अगर मान लो खुद ग्लो करेगा इसका मतलब उसके जो रेडिएशंस हैं वो इंफ्रारेड रीजन में ना होकर फिर वो विजिबल रीजन के अंदर है। जैसे ट्यूबलाइट की बात करें, सन की बात करें, तो अगर आप सन की बात करोगे तो उसमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो प्रीडोमिनेंटली इस रीजन में लाई कर रही हैं और मोर स्पेसिफिकली येल्लो के आस पड़ोस में उसकी सबसे ज़्यादा रेडिएशंस निकलती हैं, तो वो ल्यूमिनियस है। ल्यूमिनियस मतलब वो अपने खुद की लाइट निकाल रहा है, वो अपनी खुद की लाइट निकाल रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मून की बात करें तो ऑफकोर्स बड़ा मून को हम क्यों देख पाते हैं? ऐसा नहीं कि मून ग्लो करता है, हम मून को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि सन की लाइट मून पर गिरती है और वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। अगेन जो मून है वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भी नॉन ल्यूमिनियस है, उसके पास खुद की लाइट नहीं है। क्या उसमें से रेडिएशंस नहीं निकल रही? क्या निकल रही है? मून का भी कोई ना कोई टेम्परेचर होगा और उसमें से भी लगातार रेडिएशंस निकल रही हैं, लेकिन वो जो रेडिएशंस हैं वो मोस्टली अगेन किस ऑर्डर में होंगी? इंफ्रारेड रीजन में होंगी, वो विजिबल में नहीं होंगी। सो आई रियली होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम समझिए होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड आपको मोस्टली ऐसे ब्राउनिश ब्लैकिश टाइप नजर आएगी रफली, आप उसको देख पा रहे हो, उसके पीछे कारण क्या है? ऑफकोर्स उसके पीछे कारण ये है कि लाइट के, सनलाइट के या ट्यूबलाइट के फोटोन्स उस पर गिरे और वो आपकी आंखों तक पहुंचे। आप ऐसा नहीं कि आयरन रॉड को इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि उसमें से जो रेडिएशन है वो विजिबल में है, नहीं नहीं नहीं, उसमें से जो रेडिएशन है वो विजिबल में नहीं है, वो किस में है? इंफ्रारेड रीजन के अंदर। तो हमें आयरन रॉड ऐसे ब्लैकिश ब्राउनिश टाइप नजर आ रही है और हम उसे हल्का फुल्का देख इसलिए पा रहे क्योंकि सनलाइट है या फिर रूम में जो ट्यूबलाइट्स लगी हुई हैं उनके कारण हम उनको देख पा रहे हैं। यही आयरन रॉड अगर डार्क में पड़ी होगी, अगर यही आयरन रॉड ऐसे रूम में पड़ी हो जहाँ पर सनलाइट ना पहुँचे और बेटा हमने बाकी सारे लाइट भी अगर बंद कर रखे तो क्या हम उस आयरन रॉड को देख पाएंगे क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, जब तक कोई एक्सटर्नल लाइट उस पर नहीं गिरेगी तब तक हम उसको नहीं देख पा रहे। सर क्यों नहीं देख पा रहे? सर ये आयरन रॉड सर रेडिएशन निकाल नहीं रहा क्या? निकाल रहा है भाई। आयरन रॉड का टेम्परेचर मान लो अगर 300 केल्विन है तो अच्छी खासी रेडिएशन निकाल रहा होगा, लेकिन वो जो अच्छी खासी रेडिएशन है वो विजिबल रीजन में नहीं है, वो इंफ्रारेड रीजन में है, इसलिए हम उसे नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर इसी आयरन रॉड का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, इसे गर्म करूँ गर्म करूँ गर्म करूँ गर्म करूँ, तो बड़ा आप इस बात को समझ गए कि जैसे उस आयरन रॉड को आप गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं उन रेडिएशंस का जो प्रीडोमिनेंटली जो लैम्डा है जो वेवलेंथ है वो घटेगी, और अगर वेवलेंथ घटेगी इंफ्रारेड से छोटी वेवलेंथ बेटा किसकी होती है? रेड की। तो
तो हो सकता है कि वो जो आयरन है वो गर्म होते 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 आपको रेड हॉट नजर आए, और अगर मान लो कि रूम में लाइट ना हो तब भी अगर हम उस आयरन रॉड का अगर टेम्परेचर बढ़ाते गए तो हो सकता है कि आपको वो आयरन रेड नजर आए बिना किसी एक्सटर्नल लाइट के। और इस केस में जो उसकी उस आयरन रॉड से जो रेडिएशन निकल रही है वो हमारी आंखों तक पहुंच भी रही है और उसको हम देख भी पा रहे हैं। सर पहले नहीं देख पा रहे थे, बड़ा पहले इसलिए नहीं देख पा रहे थे कि उस आयरन रॉड का टेम्परेचर कम था। आयरन रॉड का टेम्परेचर कम था तो रेडिएशन मोस्टली प्री इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई कर रही थी। हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो ऐसे रेड हॉट ग्लो करने लग गया। अगर वो ग्लो करने लग गया और अब उसमें से रेडिएशन निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचने लगी। पहुंच तो पहले भी रही थी लेकिन पहले जो रेडिएशन थी वो इंफ्रारेड रीजन में थी इसलिए हम नहीं देख पा रहे थे, हमारी कमी है, वो तो रेडिएशन निकाल ही रहा था। अब उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि उसके जो एटम्स एंड मोलिक्यूल्स हैं उनके चार्ज पार्टिकल ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लग गए। ज़्यादा एम्पलीट्यूड से अगर वो वाइब्रेट करने लग गए तो उसमें से निकलने वाले जो वेवलेंथ है वो उतनी ही छोटी होंगी और इंफ्रारेड से जस्ट छोटी बड़ा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की। तो हमें आयरन जो है वो रेड हॉट नज़र आने लग गया और अगर रूम में लाइट ना हो तब भी आप आयरन को बड़े आराम से देख सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो इस तरह से हम इस बात को इमेजिन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। जैसे क्रिकेट में आजकल तो नहीं लेकिन ऐसे नियरली आज से चार पांच साल पहले LBW या फिर बैट से बॉल टच हुई है इस बात को पता करने के लिए एक टेक्निक यूज करते थे, हॉटस्पॉट। जिन बच्चों को हल्का फुल्का टेस्ट मैच वगैरह देखने का शौक होगा उन्होंने शायद सुन रखा होगा, एक टेक्निक होती है हॉटस्पॉट। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ कि उसमें क्या होता था, क्योंकि ऐसे नियरली 3-4 ईयर्स बैक तक तो यूज़ करते थे, आजकल तो मेरे ख्याल से नहीं यूज़ करते, इंडिया के मैच में तो नहीं यूज़ करते। ठीक, वैसे उसमें क्या करते थे कि मान लीजिए, अच्छा हाँ, जैसे उसमें क्या करते थे कि पूरी बाउंड्री पे कैमराज तो लगे रहते हैं लेकिन स्पेसिफिकली दो कैमरा और लगाते थे, इंफ्रारेड कैमराज। इंफ्रारेड कैमरा सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशंस को ही कैच करते थे और उनको विजिबल में कन्वर्ट करके दिखाते थे। तो मान लो कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, सामने से बॉलिंग है, तो स्क्वायर में और लेग में दो कैमराज लगाते थे, स्क्वायर में एक कैमरा, लेग में एक कैमरा, कौन सा, इंफ्रारेड, बाकी सारे कैमरा तो नॉर्मल है, ये दोनों कैमरा आपके इंफ्रारेड कैमरा है। अब मान लो कि बॉल आई 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 और मेरे इस बैट को जस्ट टच करके निकल गई। अब बॉल जैसे ही मेरे बैट को टच करेगी तो लेदर की बॉल है और वो लेदर की बॉल अगर इस तरह से बैट को टच करेगी तो बैट का ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स लेदर की बॉल अगर टच करेगी तो हल्का सा गर्म तो होगा, गर्म होगा तो इसमें से रेडिएशन ज़्यादा निकलेंगी। इसमें से अगर रेडिएशन ज़्यादा निकलेंगी लेकिन आप हो गए सर मैं तो नहीं देख पा रहा, क्योंकि इसमें जो रेडिएशन निकल रही है वो इंफ्रारेड रीजन के अंदर है। जो स्क्वायर में और जो लेग में जो इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है वो देख लेगा, वो क्या करेगा कि वो इस इंफ्रारेड रेडिएशंस को पहचान जाएगा कि देखो इसमें से लगातार इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही है, और वो पहचान जाएगा और वो हमें विजिबल में कन्वर्ट करके दिखा देगा कि देखो यहाँ पर एक हल्का सा एक ब्राइट सा स्पॉट बन गया है। वो ब्राइट सा स्पॉट किस बात का है कि वहाँ से इंफ्रारेड रेडिएशंस थोड़ी सी ज़्यादा निकल रही हैं। तो इससे हमने ये पहचान लिया कि ज़रूर बॉल टच हुई होगी और बॉल टच हुई होगी तो यहाँ का टेम्परेचर हल्का सा बड़ा होगा और टेम्परेचर हल्का सा बड़ा होगा तो इंफ्रारेड रेडिएशंस हल्की सी बड़ी होंगी, तो ऑफकोर्स बॉल जो बैट को टच हुई है। ये ठीक है, तरीका था हॉटस्पॉट का, ये आजकल तो कम यूज़ करते हैं, पहले थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते थे। और इसका इस टेक्निक का नाम हॉटस्पॉट क्यों रखा हो तुम समझ गए होंगे, बिकॉज जिस स्पॉट से वो लाइट निकलते हुए दिखाई है दैट स्पॉट इज हॉट, तो इसलिए इसका क्या नाम निकाल दिया, हॉटस्पॉट। ठीक, तो मैं ये तो सिर्फ बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमने जो बातें पढ़ी हैं सारी लॉजिकल हैं। ठीक है, इसमें कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं है। तो चलिए बच्चों, रूम टेम्परेचर पर जितनी भी रेडिएशंस होंगी वो मोस्टली इंफ्रारेड रीजन के अंदर होंगी, हायर टेम्परेचर पर ऑफ कोर्स इंफ्रारेड रीजन के इधर है, इंफ्रारेड रीजन के इधर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी रेडिएशंस निकाल देंगे। ठीक है, जो भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब बड़ा जिनकी खुद की लाइट होती है वो जो रेडिएशंस निकालेंगे वो ऑफ कोर्स लाइट के रीजन में भी होंगे। ठीक है, और जो भी आपकी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होंगी दे
जो भी आपकी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होंगी वो जो रेडिएशंस निकालेंगी वो बड़ा ऑफ कोर्स लाइट के रीजन में नहीं होगी, वो या तो इंफ्रारेड या उसके इधर होंगी या बड़ा अल्ट्रावायलेट या इसके इधर, इंफ्रारेड के इधर वाले और अल्ट्रावायलेट के इधर वाले, ये आपके नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं। नॉन ल्यूमिनियस का अर्थ ये नहीं कि रेडिएशन निकाल नहीं रहे, रेडिएशन निकाल रहे हैं लेकिन हमारी नेकेड आइज उनको देख नहीं पा रही है, ठीक है। इसका ये अर्थ मत सोचना कि उनमें से रेडिएशन निकल ही नहीं रही है, ठीक है। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया बेटा, अभी तक तो हम सिर्फ उसे बातें डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो जो भी ऑब्जेक्ट होगी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ज़्यादा होगा तो वो रेडिएशंस निकालेंगी। रूम टेम्परेचर पर रेडिएशंस मोस्टली इंफ्रारेड रीजन के अंदर होते हैं। हायर टेम्परेचर मोर रेडिएशन एंड लेस वेवलेंथ एंड मोर एनर्जेटिक फोटॉन्स, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर ऑफकोर्स रेडिएशंस आपकी उतनी ही ज़्यादा, फोटोन की एनर्जी आप h इंटू एफ, एफ इज फ्रिक्वेंसी, h इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट या h c बाई लैम्डा लिख सकते हो। हायर एनर्जी ऑब्वियसली मीन्स हायर फ्रिक्वेंसी एंड लोअर वेवलेंथ एंड लोअर वेवलेंथ। आगे चले बच्चों, आगे चले। नेक्स्ट इज, ये तो बात थी सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए, रेडिएशंस क्या है इस बात को डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट इज प्रेवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट इज प्रेवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, क्या कहती बड़ा ये थ्योरी सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस है, ठीक है। अब एक बार के लिए से मान लेते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। अब ये ऑब्जेक्ट अपने टेम्परेचर के कारण कुछ न कुछ रेडिएशंस बाहर निकालेगी ऐसे, कुछ न कुछ रेडिएशंस बाहर निकालेगी ऐसे। मान लीजिए जो रेडिएशंस बाहर निकाल रही है उसका पावर है ये PM8, ठीक है। इसी तरह से सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर TS है, सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर TS है तो सराउंडिंग भी रेडिएशंस निकालेगा अपने अंदर से, उसमें से कुछ रेडिएशंस ऑफ कोर्स ये एब्जॉर्ब भी करेगी, ऑफ कोर्स ये एब्जॉर्ब भी करेगी, तो कुछ रेडिएशंस इसने एब्जॉर्ब किया। अब मेरी बात सुनना, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स पावर एमिटेड आपका ज़्यादा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, इसका मतलब सराउंडिंग ने कम रेडिएशंस एमिट की हैं। सराउंडिंग ने अगर रेडिएशंस कम एमिट की हैं तो ऑफ कोर्स इस ऑब्जेक्ट ने उनमें से कम रेडिएशंस एब्जॉर्ब की हैं। इसका मतलब जो बाहर जाने वाले रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा हैं, जो एब्जॉर्ब की हैं वो रेडिएशंस कम है। बाहर जाने वाला पावर ज़्यादा है, अंदर मैंने एब्जॉर्ब किया है वो पावर कम है, तो कुल मिलाकर मैंने पावर एमिट किया है। और अगर मैंने कुल मिलाकर अगर लगातार पावर एमिट किया है तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि मेरे में से लगातार हीट बाहर जा रही है, और मेरे में से लगातार अगर हीट बाहर जा रही है तो मेरा टेम्परेचर लगातार घटेगा, लगातार घटेगा। सर कब तक बेटा? जब तक यहाँ आपके और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तब तक लगातार टेम्परेचर घटेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब बेटा टेम्परेचर डिफरेंस आपका जीरो हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि है ना अब कोई हीट का लेन देन नहीं है, या फिर ऐसा कहेंगे कि जितना आ रहा होगा उतना ही जा रहा होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। हम इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है टी और सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी एस, और इस बार सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है। भले ही कम हो लेकिन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है तो 0 केल्विन से ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स ये अपने अंदर से रेडिएशंस तो एमिट करेगा। जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है उसकी दर एक बार के लिए मैंने पी एमिट लिख दिया है, ठीक है। जो सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी रेडिएशंस एमिट कर रहे होंगे, उन रेडिएशंस जो इस सरफेस पर गिरी हैं उसका कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब करेगा। मान लो कि इसने कुछ ना कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब किया एंड लेट से दैट इज पी एब्जॉर्ब। हम जानते हैं इस बात को
कि इस बार सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो सराउंडिंग ने ज्यादा रेडिएशंस एमिट की होंगी, तो ऑफकोर्स इसने पावर एब्जॉर्ब भी ज्यादा किया होगा। ठीक है, फेयर एनफ सी बात है। इस बार ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो उसने रेडिएशन जो एमिट की होंगी वो कम होंगी, तो सर इससे क्या नतीजा निकलता है मेरे बच्चे? इस बात से तो यही नतीजा निकलता है कि इसका मतलब हमने पावर ज्यादा एब्जॉर्ब किया है और एमिट कम किया है। एब्जॉर्ब ज्यादा किया है और एमिट कम किया है, तो हीट का इनफ्लो ज्यादा है या आउटफ्लो ज्यादा है? आप बोलोगे सर ऑफकोर्स इनफ्लो ज्यादा है, ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा हूं कम एमिट कर रहा हूं, तो मेरे पास तो लगातार हीट आ रही है, और मेरे पास अगर लगातार हीट आ रही है इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि हमारा टेम्परेचर तो बढ़ेगा। सर कब तक बढ़ेगा? अरे भाई आपका टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब तक आपका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो ये हालांकि बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात थी, बट आई होप आप इस बात को थोड़ा रिलेट भी कर पाए होंगे। दिस इज योर प्रेवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। दिस इज प्रेवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। And this is your Prevost theory of exchange. आगे चलिए कुछ। Next is perfectly blackbody. Perfectly blackbody. सुनिएगा। ऐसी कोई बॉडी जो जितनी रेडिएशंस गिरती हो, जितनी रेडिएशंस गिरती हो, मैडम मान लो जो पावर गिर रहा है दैट इज पावर इंसिडेंट, उन सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब पावर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू पावर इंसिडेंट, जितनी रेडिएशंस गिरी हैं सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। द ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट, बड़ा लिखना चाहो लिख सकते, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स all the radiations incident on it, जो भी radiations इस पर incident हुई हैं उन सारे के सारे radiations को ये absorb कर लेगा, तो हम इसे perfectly black body कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि जितनी रेडिएशंस गिरेगा सारी एब्जॉर्ब हो गई हैं, इट मींस दैट इट विल रिफ्लेक्ट नॉन रेडिएशन, इट विल ट्रांसमिट नॉन रेडिएशन, ना तो किसी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा ना ही ट्रांसमिट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप कहोगे कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स all radiations, reflect or transmit none, जो भी इस पर गिरी है उनमें से किसी को भी reflect और transmit नहीं करेगा, नहीं करेगा। आई होप हल्का फुल्का आपके मन में सेट हो गई किसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी मिलेंगे। जितनी रेडिएशंस इंसिडेंट होंगी उन सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी भी रेडिएशन को ये ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इतनी सी बात याद रखनी। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और बोल रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बच्चे गलती करते हैं। अब मैंने बच्चों को सिखाया तो ये कि देख बच्चे इस पर अगर मान ले 10 वाट की पावर गिर रही है, 10 वाट की पावर गिर रही है, ये 10 वाट किस कारण से गिरी? आस पड़ोस में कोई और बॉडीज होंगी बेटा,
उनके कारण लगातार रेडिएशन निकलती जाएंगी, उसमें से कुछ रेडिएशन इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी पे गिरी। ठीक है, अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर अगर ये 10 वाट की रेडिएशन गिरी, इस बात का ये अर्थ है कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगी उसका पावर भी 10 वाट ही होगा। 10 वाट गिरेंगी तो 10 वाट ही एब्जॉर्ब होगा, 10 वाट गिरेगी तो 10 वाट ही एब्जॉर्ब होगा, जितनी गिरी सारी एब्जॉर्ब। सिर्फ गिरी किसकी वजह से, आस पड़ोस में होंगे भी और ऑब्जेक्ट्स, उन ऑब्जेक्ट्स ने अपने टेम्परेचर के कारण अपने अंदर से रेडिएशंस निकाली होंगी, उसमें से कुछ रेडिएशंस इस पे गिरी होंगी, इस पे जितनी रेडिएशंस गिरी होंगी इसने सारी रेडिएशंस जो है ना तो रिफ्लेक्ट होने दी ना ट्रांसमिट होने दी, सारी रेडिएशंस इसने एब्जॉर्ब कर ली। वेरी इजी। इसका ये अर्थ कभी नहीं निकालना है कि ये ऑब्जेक्ट रेडिएशंस एमिट नहीं कर सकता, एमिट कर सकता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट कर सकता है, हीट एमिट कर सकता है, पावर एमिट कर सकता है। सर आपने तो मना किया? नहीं नहीं, मैंने एमिट के लिए मना ही नहीं किया, मेरे टेम्परेचर के कारण। भाई मेरा मान लो टेम्परेचर, मान लो 10 केल्विन है, 20 केल्विन है, 1000 केल्विन है, मेरा अगर टेम्परेचर है तो मैं रेडिएशंस तो एमिट करूंगा करूंगा। ये तुम्हारी मेन थ्योरी थी, सारी कहानी इस बात पे थी कि अगर हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ऊपर है तो मैं रेडिएशंस एमिट तो करूंगा ही, मैं खुद की रेडिएशंस तो एमिट करूंगा ही। परफेक्टली ब्लैक बॉडी अपने अंदर से रेडिएशन एमिट ना करे ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि अगर उस पर कोई और किसी से अगर रेडिएशंस गिरती हैं तो वो उन रेडिएशंस में से सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। मैंने एमिट बना नहीं किया है, एमिट तो ये खुद के टेम्परेचर के कारण जो रेडिएशंस निकाल रहा है वो है। पावर एमिटेड इज अलाउड, है ना। कई बार बना लोग बोलते वक्त ऐसे गलती से मुंह से निकल जाता है कि बड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा और सारी की सारी एमिट नहीं करेगा। अरे एमिट कर सकता है, अपने टेम्परेचर के कारण मैं अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट कर सकता हूं अगर मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरे आस पड़ोस के सराउंडिंग के कारण मेरे ऊपर जितने रेडिएशन गिर रही है ना, मैं उन सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करूंगा, मेरे से टक्कर होके वापस नहीं जा सकती, रिफ्लेक्ट नहीं होने दूंगा, मेरे से रिफ्रैक्ट होके बाहर की तरफ ट्रांसमिट होने नहीं दूंगा। मेरे ऊपर जो रेडिएशन गिरेंगे ना उन सबको तो मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा, और मेरे अंदर से रेडिएशन एमिट हो सकती है, रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, ट्रांसमिट नहीं होंगी। कोई रेडिएशन अगर मुझ पर गिर रही है तो ना तो मैं उसे रिफ्लेक्ट होने दूंगा, ना मैं उसे अपने अंदर से ट्रांसमिट होने दूंगा। हाँ, मैं अपने अंदर से खुद के अंदर से रेडिएशन तो निकाल ही सकता हूं क्योंकि मेरा टेम्परेचर 0 केल्विन से तो ज्यादा ही है। सो ऑफकोर्स पावर एमिशन हो सकता है, पावर का रिफ्लेक्शन और पावर का ट्रांसमिशन मना किया है। और किसी से जो रेडिएशन गिरी हैं, और किसी से जो रेडिएशन गिरी हैं वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो ये अलाउड नहीं है। कोई जो और रेडिएशंस गिरी हैं वो इस तरह से ट्रांसमिट होके बाहर निकले वो अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे खुद के टेम्परेचर के कारण हम में से रेडिएशंस निकले ये तो अलाउड है। ऑफ कोर्स अलाउड है, आपका टेम्परेचर 0 केल्विन से अगर ज्यादा है तो आप रेडिएशन तो बाहर निकाल सकते हो, मर्जी आपकी, निकालो रेडिएशन, किसे मना किया आपको। लेकिन ये रेडिएशन वो नहीं है जो किसी और ने आप पर गिराई है फिर निकली है ना, किसी और ने अगर गिराई होती और वो रिफ्लेक्ट होकर गई होती है तो हम पावर एमिटेड थोड़ी बोलते हैं, हम पावर रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। ये तो मेरे खुद के टेम्परेचर कारण है। तो कई बार बड़ा पढ़ाते वक्त भी लोग बोल देते हैं कि ना एब्जॉर्ब ऑल एंड एमिट नन, मैंने नहीं लिखा ऐसा, मैंने लिखा एब्जॉर्ब ऑल एंड रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट नन। आई होप बड़ा कंफ्यूजन समझ में आ गया होगा। तो मैं इस बात को बड़ा वापस से बोलता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इट मींस दैट कि ये अपने ऊपर गिरने वाली सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, किसी को भी रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट या ट्रांसमिट नहीं करेगा, एमिट कर सकता है, मर्जी इसकी है। 0 केल्विन से अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा एमिट तो करेगा ही, एमिट पे मना नहीं है। तो कहीं अगर आप दे कोई बड़ा कहीं सुन लिया हो तो झूठ है, ठीक है ना, समझिए इस बात को। बल्कि आगे जाकर तो हम ये पढ़ेंगे कि जितना परफेक्टली ब्लैक बॉडी जितने अच्छे से एब्जॉर्ब करता है उतने अच्छे से एमिट करता है, आगे जाके वाली बात पढ़ेंगे, लिखेंगे, सारी कहानी इस बात पर बेस्ड होगी अपनी। तो ठीक है, तो अपन ध्यान रखें इस बात को, आगे चलिए। अच्छा, नेक्स्ट इसी बात को थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टर्म,
एब्जॉर्प्टिव पावर. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्टिव पावर. मान लीजिए बच्चों कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, इस पर कोई पावर गिरा, कोई रेडिएशन गिरी, जो रेडिएशन गिरी उसका पावर मैंने पी आई लिख दिया. आई स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट. ये जो गिरा ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यू निकल गया, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया, जो रिफ्लेक्टेड हिस्सा है मैं उसको पी आर लिख दिया. इसका कुछ हिस्सा बड़ा मान लीजिए ट्रांसमिट हो गया, जो ट्रांसमिट हो गया मैंने उसको पी टी लिख दिया, और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया मैंने उसको पी ए लिख दिया. ठीक है, बाई एनर्जी कंजर्वेशन आई कैन से दैट कि पावर इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड प्लस पावर रिफ्लेक्टेड प्लस पावर ट्रांसमिटेड. पावर इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब्ड प्लस रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड. ठीक है, ऑफकोर्स एनर्जी कंजर्वेशन से ये वाली बात तो आप कह ही सकते हो. पूरे को पावर इंसिडेंट से अगर डिवाइड कर दूंगा मैं ले दूंगा 1 = पावर एब्जॉर्ब्ड अपॉन पावर इंसिडेंट, पावर रिफ्लेक्टेड अपॉन पावर इंसिडेंट, पावर ट्रांसमिटेड अपॉन पावर इंसिडेंट. ये तीन रेशियोज हैं. ये जो रेशियो है इसे हम स्मॉल ए से तो रिप्रेजेंट करेंगे और इसी का नाम है हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर. पावर रिफ्लेक्टेड अपॉन पावर इंसिडेंट ये बड़ा एक तरह से आपका पावर ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो. इसी तरह से पावर ट्रांसमिटेड अपॉन पावर इंसिडेंट इसे कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिशन भी कह सकते हो, फिर पावर ऑफ ट्रांसमिशन भी कह सकते हो. इसमें स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. इसमें मेन चीज जो है वो मेरे लिए ए है. ए को हम नाम दे रहे हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कितना पावर एब्जॉर्ब हुआ अपॉन कितना पावर आपने इस पर इंसिडेंट किया. कितना एब्जॉर्ब किया डिवाइड बाय कितना इंसिडेंट, जितना इंसिडेंट किया उसका कितना फ्रैक्शन हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसका कितना फ्रैक्शन हम लोगों ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये रेशियो हमारा एब्जॉर्प्टिव पावर है. ठीक है, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज वी नो दैट कि पावर अपॉन पावर इट इज ऑफकोर्स यूनिटलेस डायमेंशनलेस जस्ट अ रेशियो. आप तो कह सकते हो कि ये जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, नाम भले ही पावर हो इसकी यूनिट कोई वाट थोड़ी है, इट इज ऑफकोर्स यूनिटलेस इट इज डायमेंशनलेस इट इज जस्ट ए रेशियो नथिंग मोर देन दैट. ये तो सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो है, ऐसी तो सिर्फ और सिर्फ एक रेशियो है. और एक बात और बेटा, आपकी जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी थी उसमें याद कीजिए जो पावर एब्जॉर्ब था वो पावर इंसिडेंट के बराबर था, और इसलिए आपका जो स्मॉल ए है उसको हम 1 कह सकते हैं. किसके लिए? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए. परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए स्मॉल ए की वैल्यू 0 आएगी, तो ऑफकोर्स आर और टी की वैल्यू तो 0 आएगी. आर और टी की वैल्यू तो 0 होनी है क्योंकि जितने भी रेज इंसिडेंट हुई है उसमें से ना तो कोई रिफ्लेक्शन हुआ है ना कोई ट्रांसमिशन हुआ है, सारी की सारी रेज तो आपकी एब्जॉर्ब हो गई. तो ये एब्जॉर्प्टिव पावर शब्द याद रखें. आई नो दैट कि दिस वर्ड इज लिटिल बिट थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग तो है यार, क्योंकि पावर शब्द आ गया, बच्चा सोचता है कि सर पावर है इसका मतलब जरूर वाट में होगा. नहीं बेटा, वाट कुछ नहीं है. ठीक है, ये तो रेशियो है, बल्कि वाट अपॉन वाट है तो वाट अपॉन वाट तो बड़ा यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा, है ना. एब्जॉर्प्टिव पावर शब्द याद रखें, काम आना चाहिए. परफेक्टली ब्लैक बॉडी का आपका जो एब्जॉर्प्टिव पावर होगा वो 1 होगा, बाकी सब का ऑफकोर्स 1 से कम होगा. तो आप कह सकते हो कि ए की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक नहीं करेगी. 0 भी हो सकता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जितनी रेज आई सारी रिफ्लेक्ट होंगी, तो आपका स्मॉल आर 1 हो जाएगा क्योंकि पावर रिफ्लेक्टेड और पावर इंसिडेंट तो बराबर हो गया, तो ऑफकोर्स आपका ए और टी तो 0 हो जाएगा. कोई ऑब्जेक्ट बड़ा मान लो प्योरली ट्रांसपेरेंट है, अरे भाई प्योरली ट्रांसपेरेंट है इस बात का मतलब क्या है कि जितनी रेज आएंगी सारी के सारे ट्रांसमिट हो जाएंगी, तो ऑफकोर्स जितनी आएंगी सारी ट्रांसमिट हो जाएंगी, तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, आर और ए आपका 0 हो जाएगा. लिखना चाहो लिख भी सकते हो बच्चों. अगर कोई सरफेस
प्योरली रिफ्लेक्टिंग हुई तो पावर रिफ्लेक्टेड इज इक्वल्स टू पावर इंसिडेंट, इट गिव्स मी आर इज इक्वल्स टू 1, ए इज इक्वल्स टू 0, टी इज इक्वल्स टू 0. अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योरली ट्रांसपेरेंट हुई तो ऑफकोर्स पावर ट्रांसमिटेड इज इक्वल्स टू पावर इंसिडेंट, तो बड़ा स्मॉल टी कम्स आउट टू 1, अगेन ए कम्स आउट टू बी 0, आर कम्स आउट टू बी 0. है ना, बहुत ही ऐसे ट्रिवियल ट्रिवियल सी बातें बोली हैं, ऐसे कोई बहुत ही बढ़िया बात तो नहीं बोली यार ना, ये तो आप भी सोच सकते थे. हाँ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है ना, ये आपकी एक तरह से ए की वैल्यू को 1 रखेगी. ठीक है, आगे चलते हैं बेटा. चलिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया. अगर हम प्रैक्टिकली परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाना चाहें तो एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, उससे हम बड़ा परफेक्टली ब्लैक बॉडी बना सकते हैं, मतलब नियरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी बना सकते हैं, काइंड ऑफ ऑक्सीमोरॉन्स, बट ठीक है, नियरली परफेक्टली ब्लैक बॉडी टाइप ना. सुनना बेटा, दैट इज नोन एज फेरीज ब्लैक बॉडी. सुनिए बच्चा, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, मैं पूरा डायग्राम बना लूँ, तुम लोग उसके बाद ही बनाना. मैं बेटा उसमें थोड़ा काट छांट करता रहता हूँ कई बार, इसलिए आपके पास ये एक गोला है, होलोस्फीयर है. इस होलोस्फीयर के अंदर ना बेटा एक ब्लैक पेंट कर दो. ब्लैक इसलिए क्योंकि ब्लैक का एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होता है. वन तो नहीं होता, लेकिन वन के आसपास 0.9, 0.8 टाइप. ये भी डिपेंड करता है कि बेटा कौन सा ब्लैक पेंट कर रहे हो. तो मैं चारकोल ब्लैक कह रहा हूं. चारकोल ब्लैक बेटा जैसे कोयले को रगड़ दो, है ना, जैसे कोयला है उसको रगड़ दो, काजल है वगैरह, ठीक है, वैसा चारकोल ब्लैक आपका अंदर पेंट कर दो. अदरवाइज बड़ा ब्लैक पेंट तो कार के ऊपर भी होता है. कार के ऊपर जो ब्लैक पेंट है ऑफ कोर्स वो तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्टिंग होता ही है, वो तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर तो है ना उतना बड़ा नहीं होगा जितना चारकोल ब्लैक का, काजल का, या फिर कोयले को अगर हम इस तरह से स्क्रैच कर दें, रगड़ दें, तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा. तो चारकोल ब्लैक कर दो, ठीक है. अंदर से होलोस्फीयर है, यहाँ एक होल होना चाहिए बेटा. इस होल के जस्ट सामने वाला जो पॉइंट है ना, वहां पर ऐसे एक छोटा सा तीखा सा पॉइंट बना दो, और यहां पर भी वही पेंट कर दो, चारकोल ब्लैक. ब्लैक पेंट कर रखा आपने, और मान लीजिए कि इस ब्लैक पेंट के ए की वैल्यू ए है, एंड वी नो दैट इट इज नॉट 1, बट इट इज एज हाई एज पॉसिबल. 1 तो नहीं है, अगर ये 1 ही होता फिर तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो गई ना, फिर बनाने की जरूरत क्या थी, फिर क्या बना रहे हो बेटा. ये 1 नहीं है इसलिए इतना सारा इंतजाम कर रहे हैं. ये 1 नहीं है, 1 से कम है, 0.8 होगी, 0.75 होगी, ऐसा कुछ ना कुछ होगी. लेट्स सी, इस होल के जस्ट सामने वाले पॉइंट को ऐसे थोड़ा तीखा कर दो. अब सुनना, मैंने इसमें कोई ना कोई रेडिएशन गिराई ऐसे, जैसे बाहर से कोई रेडिएशन आई, जैसे ही बाहर से कोई रेडिएशन आई, मान लीजिए कि सबसे पहली बार जो पावर इंसिडेंट हुआ वो पी नॉट था. अब हम इस बात को समझ गए कि पावर एब्जॉर्ब्ड अपॉन पावर इंसिडेंट इज ए. तो मैं इतना समझ गया कि पावर एब्जॉर्ब्ड इज ए टाइम्स पी नॉट. तो इसका मतलब इसका ए टाइम्स पी नॉट जो है वो पावर तो एब्जॉर्ब हो गया, ट्रांसमिट हो नहीं सकता, सॉलिड है तो ऐसा ट्रांसमिट हो जाए, पार हो जाए. तो रिफ्लेक्ट कितना होगा, तो मेरे बच्चे बोले सर पी नॉट गिरा है, उसमें से ए टाइम्स पी नॉट एब्जॉर्ब हो गया, तो इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा. जो हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा वो होगा 1 - a टाइम्स पी नॉट. कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, पी नॉट गिरा उसमें से ए पी नॉट एब्जॉर्ब हो गया, तो कितना बचा, पी नॉट - a पी नॉट. ये यहां चला गया, ये फिर से
ये फिर से इंसिडेंट हो गया, और किस पे इंसिडेंट हुआ है, वहां पर जहां पर ब्लैक पेंट लगा हुआ है जिसका एब्जॉर्बिंग पावर ए है, और इसका अगर एब्जॉर्बिंग पावर ए है तो इसका ए टाइम्स एब्जॉर्ब कर लेगा, ए टाइम्स अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका वन माइनस ए टाइम्स फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर वन माइनस ए ऑफ दिस, तो वन माइनस ए का स्क्वायर टाइम्स पी नॉट पावर ये रहा, ये फिर से गिरा यहां पे। अब जब फिर से गिरा यहां पर तो इसका अगेन ए हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी ट्रांसमिट तो हो नहीं सकता, तो क्या हुआ होगा, रिफ्लेक्ट हुआ होगा, तो इसका अगेन अगला रिफ्लेक्शन होगा ऐसे, और जो पावर जाएगा वो आएगा इसका वन माइनस ए, दैट इज वन माइनस ए की पावर थ्री टाइम्स ऑफ पी नॉट। ऐसे ही मान लो कि यूं चलते 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 कुल मिलाकर इसने एन कोलिजन्स किए अंदर, बड़ा मान लो कि एन कोलिजन्स किए, एन रिफ्लेक्शंस किए, तो उसके बाद जो फाइनल पावर जो बाहर आया, फाइनल पावर जो बाहर आएगा वो मेरे ख्याल से आएगा वन माइनस ए की पावर एन टाइम्स पी नॉट। देख लो बेटा, एक टक्कर के बाद वन माइनस ए पी नॉट, दो टक्कर के बाद वन माइनस ए का स्क्वायर पी नॉट, तीन टक्कर के बाद वन माइनस ए की पावर थ्री टाइम्स पी नॉट एंड सो ऑन। मान लो इसने अंदर एन रिफ्लेक्शन किए, तो उसके बाद अगर मान लो कि एन रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी तरह से रे बाहर आ गई, मान लो बाहर आ गई, तो जब बाहर आएगी तो कितना पावर बाहर आएगा, तो आप बोलो सर वन माइनस ए की पावर एन टाइम्स पी नॉट। तूने पी नॉट अंदर डाला था पावर, उसमें से वन माइनस ए टाइम्स, सॉरी बेटा, वन माइनस ए रेज टू पावर एन टाइम्स पी नॉट, इतना तुम्हारा बाहर आ गया है पावर, इतना पावर दिया था इतना बाहर आ गया, तो कुल मिलाकर कितना एब्जॉर्ब हुआ है इस फेरीज ब्लैक बॉडी में, कितना एब्जॉर्ब किया है? आप बोलो सर दिस माइनस दिस, दैट इज पी नॉट माइनस वन माइनस ए रेज टू पावर एन टाइम्स ऑफ पी नॉट। और मैं आपसे पूछ लूं कि हमारा इफेक्टिव एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इफेक्टिव एब्जॉर्प्टिव पावर होगा इन एन रिफ्लेक्शन के बाद कि कितना पावर कुल मिलाकर एब्जॉर्ब हुआ है डिवाइड बाय कितना पावर इंसिडेंट हुआ है, तो पी नॉट कैंसिल, वन माइनस ए रेज टू पावर एन। तो एन रिफ्लेक्शन के बाद आपके इफेक्टिव एब्जॉर्प्टिव पावर जो होगा वो आएगा वन माइनस ए रेस टू पावर एन। बढ़िया वैल्यू है, क्या दिक्कत है, बढ़िया वैल्यू है। एंड वी नो दैट कि एन की वैल्यू अगर बड़ा मान लो 10-20 भी होगी ना, तो दिस विल बी टेंडिंग टुवर्ड वन, दिस एंटायर वैल्यू विल बी टेंडिंग टुवर्ड वन। और अगर इफेक्टिव अगर एन ए की वैल्यू अगर टेंडिंग टुवर्ड वन है, तो बड़ा ये आपका परफेक्टली ब्लैक बॉडी टाइप है। जैसे मैं वैल्यूज लेके बताऊं, मान लो कि आपके ए की वैल्यू 0.8 है, तो आपका जो इफेक्टिव एब्जॉर्प्टिव पावर आएगा वो आएगा 1-0.2 रेज टू पावर एन, या फिर 1-1/5 रेज टू पावर एन। अब मान लो अंदर ही अंदर एक टक्कर, दो टक्कर, तीन टक्कर, चार टक्कर, पांच टक्कर, 10 चक्कर करने के बाद बाहर निकला, अगर 10 चक्कर करने के बाद बाहर निकला तो 1-1/5 रेज टू पावर 10। यार 1/5 रेज टू पावर 10, 5 5 5 5 5 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। 1 को इतनी बड़ी वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे तो दिस टर्म विल बी टेंडिंग टुवर्ड 0। सो आपका जो ए इफेक्टिव है इट विल बी ऑफ कोर्स टेंडिंग टुवर्ड 1। और ये मैंने वैल्यूज लिए बहुत ऐसे आउटरेजियसली हाई थोड़ी लिए, अंदर 10 नंबर ऑफ टक्कर तो बहुत ही कम वैल्यू लिया, अंदर तो खूब सारे टक्कर कर सकता है, और जितने ज्यादा टक्कर करेगा जो बाहर पावर निकल रहा होगा वो उतना ही कम होगा, बाहर निकलने वाला पावर जितना कम होगा ऑफ कोर्स एब्जॉर्ब पावर उतना ही ज्यादा होगा, एब्जॉर्ब पावर जितना ज्यादा होगा ऑफ कोर्स आपका इफेक्टिव एब्जॉर्प्टिव पावर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, चलेगा ऐसे काम। ये रही बेटा आपकी फेरिस ब्लैक बॉडी, आगे चलिए। अच्छा बेटा, आज में हम एक बार रेडिएशंस की सारी डेफिनेशंस निपटा लेते हैं यार। अगर ये डेफिनेशंस निपट गई ना, फिर तो अपन मचा देंगे, फिर तो सवाल कर लेंगे, बच्चों को दिक्कत ही डेफिनेशन में आती है ना। तो आज अपन एक बार ना डेफिनेशन सारे निपटा लेते हैं, फिर सवाल बचेंगे, सवाल तो आसान होते हैं। एक बार डेफिनेशन समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, फिर सवाल तो बड़ा कर ही लेंगे अपन।
इसमें डेफिनेशंस थोड़ी नई नई होती हैं, सो आई वॉन्ट कि ना तुम लोग एक बार में सारे डेफिनेशंस तो निपटा दो. नेक्स्ट इज एमिसिव पावर. अच्छी डेफिनेशन है बेटा, बहुत काम आएगी, बहुत ही काम आएगी. सुनना बेटा, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर टी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है, टी बेटा केल्विन है, ठीक है, इसका एरिया ए है, अपने टेम्परेचर के कारण ये लगातार ऐसे रेडिएशंस एमिट करेगा. गिर भी रही होंगी लेकिन मैं एक बार ना उनमें इंटरेस्टेड हूं जो रेडिएशंस में से निकल रही हैं, तो कुछ ना कुछ ये पावर एमिट करेगा रेडिएशन की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में. सुनना बेटा, ये जो पावर एमिट हो रहा है ये रेडिएशन की फॉर्म में हो रहा है, एंड वी नो दैट कि जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ जो है वो जीरो से लेकर इंफिनिटी तक वेरी करेगी. वेवलेंथ जो है वो जीरो से लेकर इंफिनिटी तक वेरी करेगी. इसमें से बड़ा अलग अलग तरह की वेवलेंथ लगातार निकलती रहेगी. हालांकि हम जानते हैं इस बात को कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा लैम्डा जो छोटे वाले हैं ना उनके फोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, उनके फोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स विथ लो लैम्डा विल इंक्रीज. जो जिन फोटॉन्स के पास लो लैम्डा है, वेवलेंथ कम है, उनकी संख्या उतनी ही ज्यादा होगी. और टेम्परेचर जितना कम होगा, हम जानते हैं कि वाइब्रेशंस उतने ही कम होंगे, वाइब्रेशंस कम होंगे तो एनर्जी कम जाएगी, एनर्जी कम जाएगी रेडिएशन कम जाएगी, लैम्डा ज्यादा होंगे तो ज्यादा से ज्यादा फोटॉन्स जो है उनका लैम्डा बड़ा होगा. तो आप कह सकते हो कि इस केस में आपके जो रेडिएशंस हैं वो मोस्टली हायर वेवलेंथ के होंगे. ये बात हमें पहले से पता थी. मैं तो बस एमिसिव पावर पे आ रहा हूं. एमिसिव पावर को हम ई से तो रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज सिंपली डिफाइंड एज कि आपने कितनी पावर एमिट की है किसी भी वेवलेंथ की, सारी वेवलेंथ मिलाकर. आप तो थ्योरेटिकली जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक सारी वेवलेंथ निकाल रहे हो, कोई कम कोई ज्यादा. ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ऑफकोर्स छोटी वाली वेवलेंथ ज्यादा निकालोगे, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो छोटी वाली वेवलेंथ ज्यादा निकालोगे, कम टेम्परेचर होगा तो बड़ी वाली वेवलेंथ ज्यादा निकालोगे. लेकिन थ्योरेटिकली आप जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारी वेवलेंथ आप में से निकल रही है, ठीक है. वो सारी वेवलेंथ जो निकल रही है उनके कारण जो नेट पावर आपने एमिट किया है, नेट पावर आपने जो एमिट किया है, दैट नेट पावर एमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया इज डिफाइंड एज योर एमिसिव पावर. आई होप बेटा बात समझ आ गई. आपने नेट कितना पावर निकाल दिया रेडिएशन के फॉर्म में, सर कौन सा लैम्डा? अरे भाई सारे लैम्डा मिला मिलो के, जितने लैम्डा है तुम्हारे पास सारे लैम्डा मिलाकर तुमने कितना पावर एमिट किया है रेडिएशन के फॉर्म में, दैट पावर एमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया इज सिंपली डिफाइंड एज एमिसिव पावर. सर इसकी यूनिट बताना. बेटा इसकी यूनिट देखना, ऊपर तो पावर है तो वाट, नीचे मीटर स्क्वायर. सर ये कैसा पावर है जिसकी यूनिट वाट नहीं है बल्कि वाट पर मीटर स्क्वायर है? बेटा मैं क्या करूं इसमें, मैंने थोड़ी निकाला है ये सब नाम, ये बेटा नाम शुरू से निकले हुए हैं, सब बहुत कंफ्यूजिंग है, चेंज कर लें क्या? अपने बस में उत्पादन कर लेते हैं. लेकिन बेटा क्या करें, नाम ऐसे ही हैं, यही मानने पड़ेंगे. सर एब्जॉर्प्टिव पावर भी पावर नहीं था, एमिसिव पावर भी पावर नहीं है बल्कि पावर पर यूनिट एरिया है. सर मेरा तो नाम पर से विश्वास ही उठ गया है. अब यार मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, नाम ऐसे ही है यार, है ना. मैं अगर मेरे को निकालना होता ना मैं बड़ी निकालता, लेकिन अब यही नाम निकले हुए हैं, सो वी हैव टू एडजस्ट इन दिस वे. ऐसा तो है नहीं कि हमारे जैसे लोग एडजस्ट कर लेंगे कि हमने ये नया नाम निकाल रहे हैं इनसे काम चलाओ, बट जो नाम निकले हुए उनसे हमें काम चलाना पड़ेगा. मैं आपसे पूछूं इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर तो पावर है तो एम एल टू टी माइनस थ्री, नीचे मीटर का स्क्वायर है तो एल टू कैंसिल हो गया, That is एम टी माइनस थ्री. यह आपका एमिसिव पावर, यह आपका एमिसिव पावर. मैं एक बात और बोल रहा हूं, हालांकि मैं इसको अलग से हेडिंग लगा के दे दूंगा, और वो ये है
कि ये जो भी एमिसिव पावर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन। ऐसा नहीं कि आगे जाके प्रूव कर दूंगा, बोलूंगा ही, है ना, आगे जाके हम इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ नाम से बोलेंगे और कहेंगे कि ये जो एमिसिव पावर है ये हमारी इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। हालांकि हम इसे अलग से हेडिंग डाल के भी लिखेंगे, लेकिन मुझे लगा जब सारी बातें एमिसिव पावर के लिख रहे हैं तो ये भी लिख लेते हैं, एमिसिव पावर जो होगा वो टेम्परेचर इन केल्विन के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा टेम्परेचर एमिसिव पावर उतना ही ज्यादा, एमिसिव पावर उतना ही ज्यादा। आगे चले ना, दिस इज अवर एमिसिव पावर। एक टर्म और आएगी बेटा एमिसिव पावर की, वो बाद में, ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा एक बार ना, एक छोटी सी टर्म और अगेन बेटा, नेक्स्ट इज एमिसिविटी या स्मॉल ई, एमिसिविटी या स्मॉल ई, नहीं टर्म है, ध्यान से सुनना, एमिसिविटी सिर्फ कंपेयर करती है, कंपेयर करती है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये कंपेयर करती है कि कोई बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के मुकाबले कितनी अच्छे तरीके से रेडिएशंस को एमिट करती है। सर परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एमिट कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। सर आपने मना किया था? मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, मैंने कहीं मना नहीं किया। सर आपने तो कहा था सारी एब्जॉर्ब हो जाती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी में, हाँ एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन एमिट तो कर ही सकती है, अपने अंदर से रेडिएशंस तो एमिट कर ही सकती है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के मुकाबले कोई बॉडी कितने बढ़िया तरीके से रेडिएशंस एमिट कर पा रही है उसको मेजर करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने टर्म डिफाइन कर रही है, दैट टर्म इज नोन एज योर एमिसिविटी। सुनना, ये मान लीजिए बेटा कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है और इसका एमिसिव पावर है ई, ठीक है, ये दूसरी बॉडी है, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और इसका टेम्परेचर भी है टी और इसका एमिसिव पावर जो है वो लेट से मेरे पास है ई नॉट, देन एमिसिविटी ऑफ बॉडी इज सिंपली डिफाइंड एज, इज सिंपली डिफाइंड एज एमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइड बाई एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर इसका एमिसिव पावर कितना है डिवाइड बाई इसका एमिसिव पावर कितना है, इस रेशियो को हम डिफाइन करते हैं एक टर्म से, दैट इज नोन एज योर एमिसिविटी, दैट इज सेम टेम्परेचर होना जरूरी है क्या? बड़ा बिल्कुल जरूरी है, अगर तुमने इसका टेम्परेचर दुगना कर दिया बड़ा फिर तो ऑफकोर्स इसकी एमिसिविटी 16 टाइम्स जाएगी, बिकॉज वी नो दैट कि एमिसिविटी इज सॉरी एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर किया दुगना तो एमिसिव पावर तो 4 गुना हो जाएगा। तो इसलिए सेम टेम्परेचर पर आप ये देखो कि इस बॉडी का एमिसिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के कितने टाइम्स है और वो जितने टाइम्स होगा वही उसकी एमिसिविटी होगी। मान लो किसी बॉडी की एमिसिविटी 0.5 है तो इस बात का अर्थ यह हुआ कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जितनी रेडिएशंस निकाल रहा है उसकी आधी निकालने की इसकी क्षमता है, मतलब उसका एमिसिव पावर अगर ई नॉट है तो इसका एमिसिव पावर 0.5 ई नॉट है। अगर किसी की एमिसिविटी अगर मान लो 0.1 है तो इस बात का यह अर्थ हुआ कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के मुकाबले ये वाली बॉडी सिर्फ और सिर्फ 0.1 टाइम्स ही अपनी रेडिएशंस एमिट रखने की क्षमता रखता है। अगर इसकी एमिसिविटी ई नॉट है तो सॉरी इसकी एमिसिव पावर अगर ई नॉट है तो इसका एमिसिव पावर 0.1 ई नॉट है। तो आप कह सकते हो कि एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी इज एमिसिव पावर ऑफ बॉडी एट टेम्परेचर टी, जरूरी है लिखना, डिवाइड बाई एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर टी। सेम टेम्परेचर पर बॉडी जो है वो एमिसिव पावर
कितने टाइम्स रखती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के मुकाबले, उस रेशियो को हम नाम दे रहे हैं बच्चों एमिसिविटी। सिंपल, आई रियली होप समझ में आ गया होगा। ई की जो वैल्यू है बेटा वो हमेशा वन से छोटी होगी, मतलब बॉडी का जो एमिसिव पावर है वो हमेशा परफेक्टली ब्लैंक बॉडी के एमिसिव पावर के या तो बराबर होगा या उससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो बहुत ही अच्छा एमिटर है, बहुत ही अच्छा एमिटर है, अब बहुत ही अच्छे तरीके से पावर को एमिट करता है। बॉडी जो है, जो दूसरी बॉडीज हैं, वो हो सकता है कि उसके मुकाबले एमिट करने की क्षमता आधी रखता हो, वन फोर्थ रखता हो, वन टेंथ रखता हो, या बराबर रखता हो, लेकिन ज्यादा नहीं रखेगा। तो जो भी आपकी बॉडी है उसकी एमिसिविटी हमेशा जीरो से वन के बीच में होगी। सर यूनिट, बेटा काहे की यूनिट, ये भी वाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी वाट मीटर मीटर पर सेकंड। ऑफ कोर्स ये एमिसिव पावर जो है इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस, इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस। ना तो इसके पास कोई यूनिट है ना इसके पास कोई डायमेंशन है। दिस इज योर एमिसिविटी, दिस इज योर एमिसिविटी। आई रियली होप बेटा आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाता हूं, क्योंकि मेरा काम तो बेटा है ही एक बार कि आप लोग है ना डेफिनेशन समझ जाओ, फिर समान लवाल तो अपन फोड़ देंगे, है ना। डेफिनेशन तो समझ जाओ तुम लोग। सवाल ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट है, एरिया है 10 मीटर स्क्वायर और ये पावर एमिट कर रहा है रेडिएशंस के थ्रू 100 वाट, टेम्परेचर है इसका 300 केल्विन। ये है बेटा कोई आपकी बॉडी, ठीक है। इसी टेम्परेचर पर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया कि 300 केल्विन ही है, और इसका एरिया जो है वो मेरे बच्चे 8 मीटर स्क्वायर है, और ये जो पावर एमिट कर रहा है वो आपका 120 वाट है, वो 120 वाट है, ठीक है। फाइंड एमिसिविटी ऑफ द बॉडी, फाइंड एमिसिविटी ऑफ द बॉडी, बड़ा बॉडी की एमिसिविटी फाइंड आउट करो, अभी कर लेंगे। फाइंड एमिसिविटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की एमिसिविटी बिल्कुल करेंगे। बॉडी की एमिसिविटी होगी एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर। मचा देंगे एमिसिव पावर। सर इसका एमिसिव पावर क्या होगा? बड़ा पावर अपॉन एरिया, 100 वाट अपॉन 10 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय इसका एमिसिव पावर कितना बड़ा? 120 वाट पर 8 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर वाट वाट कैंसिल, आई थिंक मेरे पास आ गया 100 इंटू 8 अपॉन 120 इंटू 10, 0000 बड़ा कैंसिल, 8 बाई 12 आ गया होगा बड़ा, शायद कैलकुलेशन चेक करना पड़ा, मेरे ख्याल से 8 बाई 12, ठीक है बड़ा हमारा ये आंसर आके दैट इज 2 बाई 3 क्या, दैट इज 2 बाई 3 या बेटा 0.67 रफली। सर 0.67 क्या? अरे बेटा 0.67 बस बहुत है, आई होप आप समझ गए इस बात को। चलिए बेटा मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोगों को एमिसिविटी समझ में आ गई होगी। वैसे मेरा मेरे को है ना, जैसे मैंने जब ऐसे 12वीं क्लास में ऐसे एमिसिविटी पहली बार पढ़ी थी ना, तो मेरे को ऐसे थोड़ा याद वाद रखने में थोड़ी दिक्कत आई थी, इसलिए जानबूझ के इतना सारा तुम्हें बता रहा हूँ कि बेटा देख ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ऐसे ऐसे। तो चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, तो एक और कर लेते हैं। मान लो कि ये बॉडी है जिसकी एमिसिविटी है 0.8, एरिया है इसका 12 मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर है इसका 400 केल्विन। एक दूसरी बॉडी है बेटा, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है,
और इसका टेम्परेचर बड़ा 400 केल्विन है, इसका एरिया जो है वो लेट से 8 मीटर स्क्वायर है, और ये जो पावर एमिट कर रहा है इस टेम्परेचर पर, मान लो बेटा वो 50 वाट है, अपनी रेडिएशन के कारण जो पावर एमिट कर रहा है वो 50 वाट है, ठीक है। वो बेटा अगर मान लो 50 वाट कर रहा हो तो ये भी कुछ कुछ कर रहा होगा, कितना कर रहा होता तो फाइंड। पावर एमिटेड बाय बॉडी, बॉडी ने कितना पावर एमिट किया है बेटा जल्दी से निकाल लो। सेम टेम्परेचर पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी ने कितना पावर एमिट किया है वो मैंने लिख रखा है, तो बताओ इस बॉडी ने कितना पावर एमिट किया है। चलो करते हैं, एमिसिव पावर इज 0.8, इज एमिसिव पावर ऑफ दिस, एमिसिव पावर ऑफ दिस विल बी पावर अपॉन एरिया डिवाइड बाय एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर ऑफ कोर्स। पावर एमिटेड इज 50 अपॉन एरिया, एरिया इज आई थिंक 8, दैट इज पी इंटू 8 अपॉन 12 इंटू 50, दैट शुड बी इक्वल टू 0.8। बड़ा पावर मेरे पास आ गया शायद 12 इंटू 8 इंटू 5 अपॉन 8, आई थिंक इट कम्स आउट टू बी 60 वाट, ये बड़ा आपका 60 वाट आ गया। बड़ा सब बच्चों ने सही निकाला होगा, बहुत ही आसान सी बात थी बेटा, सबका ही सही होना चाहिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लो जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा और मैं उसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ बढ़िया से, हालांकि उसके यूजेस वगैरह तो हम आगे देखते रहेंगे लेकिन हम उसको एक बड़ा बढ़िया से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा। चलिए बेटा हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझना है, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं समझा रहा हूं एग्जैक्टली उसी तरीके से आप लोगों को समझना है, उसी लैंग्वेज में उसी स्टाइल में उसी मतलब उसी फ्लो के साथ इस बात को समझना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या कहता है किरचॉफ्स लॉ? किरचॉफ्स लॉ कहता है कि ये कोई बॉडी है, टेम्परेचर है टी, ये कोई दूसरी बॉडी है, टेम्परेचर है टी, दिस इज लेट्स से बॉडी वन, लेट्स से दिस इज बॉडी टू, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर ए वन है, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर ए टू है। एब्जॉर्प्टिव पावर याद था ना, जितना पावर गिरेगा उसका कितना हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो वाली कहानी, ठीक है। दो अलग अलग बॉडीज हैं और इनके एब्जॉर्प्टिव पावर मुझे ए वन ए टू दे रखे। चलिए टेम्परेचर सेम है, इसने इसका एमिसिव पावर लेट से ई वन है और इसका एमिसिव पावर ई टू है। Kirchhoff's law states that any two bodies at same temperature, क्या condition लगाई? Temperature same, अभी तक और कोई condition लगाई नहीं मैंने, कोई सी body, क्या shape, size, geometry, कुछ भी, any two bodies at same temperature will have equal ratio of emissive power is to absorptive power। कितना बढ़िया सा law है, Kirchhoff's law states that any two bodies at same temperature will have equal ratio of absorptive power is to, sorry beta, equal ratio of emissive power is to absorptive power। इनका emissive power और absorptive power का जो ratio होगा वो exactly same होगा, condition सिर्फ एक,
सर बॉडीज में कंडीशन लगाएंगे, ये बॉडी ऐसी होनी चाहिए वैसे, मैंने कोई कंडीशन लगाई सर, कंडीशन कहाँ लगा रहे हो, सेम टेम्परेचर के अलावा मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, जो शेप साइज ज्योमेट्री मटेरियल जो चाहो कुछ भी कर लो, इन दोनों का रेशो हमेशा सेम होगा। कौन सा रेशो, एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशो एग्जैक्टली सेम होगा। किरचॉफ्स लॉ स्टेट्स दैट एनी टू बॉडीज at same temperature will have equal ratio of emissive power to absorptive power। एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो किसी भी दो बॉडी का सेम होगा अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो। यही है किरचॉफ लॉ, बाकी सब तो बातें बेटा कुछ ही बोल दो, यही है किरचॉफ। हमारे सवाल तो इससे बनेंगे, इस लाइन से बनेंगे। अब मैं जो थोड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है उस पर आता हूं, मैं पॉपुलर स्टेटमेंट आता हूं, पॉपुलर स्टेटमेंट क्या है उस पर आता हूं। मेरा बच्चा बोले कि सर मैं बात मान गया आपकी सर, बढ़िया, लेकिन सर अगर मान लो दूसरी बॉडी अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी हुई तब भी येलो लग जाएगा क्या? तो मैं कहूंगा हाँ बेटा, जब हर बॉडी में लग रहा है तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी लग जाएगा। ये नया डायग्राम है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर हम जानते हैं क्या होगा बेटा, 1। ये तो डेफिनेशन थी उसकी। और मान लो कि इसका एमिसिव पावर है ई नॉट, तो इनके बीच में लगाना जरा तुम्हारा किरचॉफ लॉ, इट सेज दैट एमिसिव पावर इज टू एब्जॉर्प्टिव पावर should be equal to emissive power is to absorptive power। इससे मेरे पास आ गया E1 upon E0 is A1। यार याद है मेरे को, emissive power of body divided by emissive power of perfectly black body, याद करो याद करो याद करो, emissive power of body divided by emissive power of perfectly black body। यार ये तो हमारी body का emissivity था, ये तो हमारी बॉडी वन का एमिसिविटी था, बॉडी वन का एमिसिव पावर डिवाइड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर, यही तो हमारी बॉडी वन का एमिसिविटी थी। इसका मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला और एमिसिविटी का फॉर्मूला एग्जैक्टली, फॉर्मूला नहीं बेटा, वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। किसी भी बॉडी का अगर एब्जॉर्प्टिव पावर अगर 0.5 होगा तो उसकी एमिसिविटी भी एग्जैक्टली 0.5 होगी। अगर किसी बॉडी का अगर एमिसिविटी अगर 0.6 होगी तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी 0.6 होगा। आप हमेशा इस बात को याद कर सकते हो कि एब्जॉर्प्टिव पावर और एमिसिविटी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी। हालांकि दोनों रिप्रेजेंट अलग अलग चीज को कर रहे हैं, ए बड़ा है तो ई भी बड़ा होगा, ए का बड़ा होना ये रिप्रेजेंट करता है कि आप एब्जॉर्बर अच्छे हो, एमिसिविटी बड़ी है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप अच्छे एमिटर हो। क्या मैं बोल सकता हूं गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स? बिल्कुल। इसी तरीके से मैं कहूं ए छोटा तो ई छोटा इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप खराब एब्जॉर्बर हो, तो ई भी छोटा ये रिप्रेजेंट करता है कि आप खराब एमिटर हो। खराब एब्जॉर्बर्स आर खराब एमिटर्स, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड एमिटर्स। ये हमारा किरचॉफ लॉ, ज्यादा पॉपुलर जो वर्ड है वो ये है कि गुड एब्जॉर्बर्स are good emitters and bad absorbers are bad emitters। तुम पूरा लिख देना, good absorbers are good emitters, bad absorbers are bad emitters। आप पूरा लिख लेना, मैं तो इतना ही लिख रहा हूं। आई होप आप बड़ा इस बात को समझ गए होंगे यार। तो ज्यादा पॉपुलर जो स्टेटमेंट है किरचॉफ का वो ये है, मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो पता है कि सवाल इससे होते हैं, इससे थोड़ी होते हैं, ये तो समझाने के लिए था कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स एंड बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड एमिटर्स। ये बात आपको पचने में दिक्कत है क्या कि भाई गुड एब्जॉर्बर्स और गुड एमिटर्स कैसे हो गए? चलो कोशिश करता हूं कि आपको पचे। मान लो कि ये क्लास किसी एक बच्चे से मिस हो गई, मैंने पढ़ाया और किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा। अब वो दूसरे बच्चों से कहता है कि सर मैं इनमें से किसी से पढ़ लूं? मैंने कहा बेटा पढ़ ले। वो दूसरे बच्चे जिन्होंने क्लास अटेंड कर रखी है उनसे पढ़ना चाहता है कोई बच्चा जिससे क्लास मिस हो गई, किस बच्चे से बढ़िया तरीके से वो पढ़ पाएगा?
जिस बच्चे ने क्लास की सारी बात को समझा होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, वही बच्चा तो दूसरे बच्चे को उतने बढ़िया तरीके से बता पाएगा। मैंने क्लास में सारी की सारी बातें ढंग से सुनी होंगी, समझी होंगी, एब्जॉर्ब की होंगी, तभी तो मैं किसी दूसरे बच्चे को ये सब बातें बता पाऊंगा, तभी तो मैं उसको एडमिट कर पाऊंगा। जब मैंने कुछ पढ़ाई नहीं तो बता कहां से दूंगा। अगर मैं खराब एब्जॉर्बर तो खराब एमिटर, गुड एब्जॉर्बर तो गुड एमिटर। आई रियली होप बेटा इस बात को समझ गए होंगे। अब आप और बढ़िया से बेटा इस बात को समझ जाओ तो इसलिए मैं ना इस पर एक न्यूमेरिकल सवाल करा रहा हूं। ये न्यूमेरिकल सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में इस बात को सेट करने के लिए है कि किरचॉफ लॉ है क्या, किरचॉफ लॉ का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है। सिर्फ ये बात आपके दिमाग में सेट करने के लिए एक सवाल पूछ रहा हूं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर है 0.6, पावर एमिट कर रहा है 10 वाट का, इसका एरिया है बेटा 2 मीटर स्क्वायर। एक दूसरी बॉडी है, इसका एरिया है 1.6 मीटर स्क्वायर, इसका एब्जॉर्प्टिव पावर है 0.5 और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन, तो इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन। ऑफ कोर्स ये 300 केल्विन पर कोई ना कोई पावर तो एमिट कर रहा होगा। फाइन, पावर एमिटेड बाय सेकंड बॉडी, दूसरी बॉडी ने कितना पावर एमिट किया वो निकालो। अभी निकालते हैं, आप तो बेटा दोनों भेजो, किरचॉफ लॉ लगा दो। क्या कहता है किरचॉफ लॉ? एमिसिव पावर इज टू एब्जॉर्प्टिव पावर, दोनों का टेम्परेचर सेम है तो एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो सेम होना चाहिए। एमिसिव पावर कितना है? 10 वाट अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर 0.6 शुड बी इक्वल टू इसका एमिसिव पावर। एमिसिव पावर इज ऑफ कोर्स पावर एमिटेड अपॉन 1.6 मीटर स्क्वायर, इट इज एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर इज 0.5 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, दैट कम्स आउट विद 10 वाट अपॉन 2 इंटू 0.6 शुड बी इक्वल टू पावर एमिटेड अपॉन 1.6 इंटू 0.5। ये बड़ा हमारा आंसर है यार, ठीक है कर लेना इसको सॉल्व करना चाहता था। इतने वाट का आंसर है। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट का एमिसिव पावर इज टू एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो सेम रहेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए चलिए ठीक है ना बेटा, कल पढ़ते हैं बेटा। आज के लिए तो कैसा कोई खास होमवर्क है नहीं, है ना, जो डीपीज वगैरह आ रखी है उनको निपटाओ और बेटा कोई ऐसे अलग से काम है नहीं। शीट में थोड़ा काम हम कर देंगे।